कहते हैं चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, यानी बदलाव प्रकृति का नियम है, हर घड़ी कुछ न कुछ बदलते रहता है। चलिए आज बदलते हैं आपका दिन ये देख के कि आपका राशिफल क्या कह रहा है और किस तरह से आप सुधार सकते हैं आज आपका दिन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपके सिंबल्स ये कह रहे हैं कि आप रिप्लेस करना चाहते हैं कुछ या किसी इंसान को अपनी लाइफ में से, एक प्रोजेक्ट को या अपनी थॉट को। अपनी थॉट को बदलना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू द सिंबल्स। सुबह के समय आप थोड़े से वहमी रहेंगे या आपको लगेगा कुछ हो रहा है, आभास हो रहा है। अपनी छोटी आवाज जो दिल की है उसे सुने, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आज कुछ नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मत जाइए बाहर, इट इज बेटर फॉर यू। दोपहर को हो सकता है कि आप जो काम चाह रहे थे या जिस फोन कॉल का वेट कर रहे थे वो आज नहीं आएगा। और शाम को दिन है आपका अच्छा, क्योंकि आप जो भी चाह रहे थे ना सुबह के समय वो अब हो जाएगा, तो आपका दिन है अच्छा। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। आपके सिंबल्स कह रहे हैं कि आप क्रिएटिव मूड में हैं, लेकिन रोमांटिक मूड में भी हैं, और आपका दिन आज बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी पावरफुल डे। आप मॉर्निंग में जो भी सुबह जो भी काम करना चाहेंगे वो पूरा होगा। आप फुल एनर्जी में हैं, फुल प्लानिंग में हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप आराम से बढ़िए, कॉन्फिडेंस से बढ़िए। दोपहर को आप जो भी सोच रहे थे, लंबी सोच कर रहे हैं या आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे और क्या करना है अपनी टीम के साथ या खुद ही, बहुत अच्छी है ये थॉट्स आपकी, लिख के रखिए ताकि आप भूलिए नहीं। और शाम को आपका दिन अच्छा है बिकॉज रिलैक्स फील करेंगे आप, थोड़े से फैमिली का गेट टुगेदर होगा, और आपका जो भी काम हो गया है उसके बारे में यू विल फील वेरी जॉयफुल, बहुत अच्छा लगेगा अंदर से। ग्रेट डे। अब बारी है जेमिनी यानी मिथुन राशि की। आपके सिंबल्स कह रहे हैं कि आपका कार्मा आज आपको बैलेंस करना है, कुछ अच्छा करिए, अच्छी सोच रखिए या किसी को मदद करिए जरूर, क्योंकि सिंबल्स कह रहे हैं। सुबह के समय आप थोड़े से झगड़ालू मूड में हो सकते हैं या आपको लगेगा कि आप चिड़चिड़े हैं, तो अगर आपको गुस्सा करना है तो कर लीजिए, अगर सही चीज के लिए है, पर कभी कभी प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। जो है दोपहर को, दोपहर के समय बहुत लेना देना होगा, हो सकता है कि आप उसमें भी थोड़े से अग्रेसिव हो जाएं। अगर जरूरी है तो आज अग्रेसिव रहिए, क्योंकि आपका आज दिन काम अच्छा है, आपका काम भी हो जाएगा शाम तक और कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। कभी कभी जरूरी है टू पुश योरसेल्फ एंड गेट योर वर्क डन, लेकिन रूड मत होइएगा एंड नो फिजिकल फाइट। बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आपके सिंबल्स कह रहे हैं कि आपके काम में आएंगे थोड़े से डिलेज, लेकिन सिंबल्स ये भी कह रहे हैं कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। जो भी काम आपके सामने आप सोच रहे हैं, कल करूंगा, परसों करूंगा, बाद में करूंगा, अगर आप काम टाल रहे हैं तो टैरो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आज का दिन है अच्छा, काम पूरा कर लीजिए। और शाम को हो सकता है कि आप जो भी सोच रहे हो वो सच हो रहा है, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, तो आज आप ग्रेटिट्यूड प्रेयर्स लिखिए, अपनी डायरी में कुछ पॉजिटिव चीजें लिखें और मेडिटेशन जरूर करिए और अपना पावर और भी एनहांस करिए अंदर से, सो दैट टुमारो इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल डे। अब बारी है सिंह राशि की यानी लियो। आपके सिंबल्स कह रहे हैं डेस्टिनी, और आपने मन में ठाना है कि आप कुछ बदल के रखेंगे, आप बदलेंगे या आपकी सिचुएशन को आप बदलेंगे, आपने कमिटमेंट ली है, दैट्स फैंटास्टिक। और आपके टैरो कार्ड भी बहुत अच्छे हैं आज, आप क्रिएटिव हैं, आप जो भी काम अपने हाथ में ले रहे हैं वो पूरा होगा। दोपहर के समय आप रिलैक्स होंगे, आपका टीम वर्क भी अच्छा होगा, घर पर भी माहौल अच्छा है, और शाम को आपको मिलेगी एक अच्छी खुशखबरी। हमारे साथ भी शेयर करिएगा ताकि हम भी खुश हों आपके लिए। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। आपके सिंबल्स कह रहे हैं कि आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप इनोवेटिव हैं, और आपके सिंबल्स कह रहे हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, आप आगे बढ़िए।
आपका सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, आप क्रिएटिव भी हैं, आप आगे जो सोच रहे हैं वो बढ़ पाएगा और दोपहर को भी आप जो भी मोशन में ला रहे हैं काम अपना आगे बढ़ेगा, घर का वातावरण भी अच्छा होगा। लेकिन विमेन के लिए शाम को खास आया है कि आप संभालें, एक है आपकी हार्मोनल जो हेल्थ है वो, और दूसरी थोड़ा सा पेशेंस रखना है आज, हो सकता है आपके इम्पेशेंस की वजह से घर का वातावरण खराब हो। अब बारी है तुला राशि यानी लीब्रा। आपके सिंबल आए हैं बैलेंस, हाउ स्ट्रेंज, क्योंकि लीब्रा मतलब बैलेंस, आपको बैलेंस अच्छा लगता है, पीस अच्छा लगता है, काम एंड हार्मनी अच्छा लगता है और आज आपका दिन वैसा ही है। अगर आप हॉलिडे पे हैं तो आपको बहुत मजा आएगा, अगर आप क्रिएटिव स्पिरिट में हैं और आप सोच रहे हैं कि ये काम पूरा करना है तो आज का दिन बहुत अच्छा है और सुंदर है। ये हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है या कोई अवस्था है वो वैसे ही रहेगी। आप अगर सोच रहे हैं कि आज पैसा आएगा या अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे तो शायद थोड़ा सा डिले होगा। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आपके सिंबल्स आए हैं होम एंड रिलेशनशिप, यानी आपको अपने घर पर ध्यान देना है। अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है तो प्लीज आज पूरा कर दीजिए, क्योंकि आप जो भी चाहेंगे वो पूरा हो पाएगा और आज आपका दिन बहुत अच्छा है, आपका काम भी आगे बढ़ेगा, आपके टीम वर्क से आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। फैंटास्टिक डे टुडे। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आपके सिंबल्स में आया है मूल्य, या आपने अपने आप को कम समझा है या आप ठीक तरीके से वैल्यूएशन नहीं कर रहे, बिजनेस में आपको इससे लॉस हो सकता है तो अकाउंट्स जरूर चेक करें। आज आपका दिन है अच्छा दोपहर से 1 बजे के बाद, क्योंकि आप रिलैक्स रहेंगे, पैसे भी कुछ आएंगे, थोड़ा कंफर्ट रहेगा और इसके वजह से आप बहुत एंजॉय करेंगे आपकी शाम घर पर, और आप जो भी काम भी प्लानिंग कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं। सो टुडे इज अ गुड डे। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आपके सिंबल्स कह रहे हैं इंटेंसिव, यानी आप बहुत एक्सट्रीम नेचर में रहेंगे, या बहुत ठंडे या बहुत हॉट हेडेड, लेकिन आपकी सुबह बहुत अच्छी है, इसके लिए आप अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करिए और अपने काम पर ध्यान रखें। अगर घर का माहौल भी आप चेंज कर सकते हैं तो फैंटास्टिक, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा है। एंजॉय योर सेल्फ, पैसे भी आएंगे, आपका काम भी हो जाएगा। 5 बजे के बाद हो सकता है कि आपकी किसी क्लोज फ्रेंड के साथ अनबन हो, ठीक है कभी पॉइंट ऑफ व्यू से झगड़े होते हैं, लेकिन उसे लंबे मत खींचिए, और अगर पहले कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो आज के दिन आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी है कुंभ राशि यानी अक्वेरियस। आपके सिंबल्स कह रहे हैं मनी, यानी आज आपका ध्यान और दिल पैसों पे है, और मनी यानी लेना देना। टैरो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि सुबह के समय आप जो सोच रहे थे वो काम होगा नहीं, और अगर आपने ये प्लानिंग की थी ये पैसे आएंगे, फिर आपको आगे जो करना है वो प्लानिंग भी नहीं हो पाएगी, लेकिन दोपहर के समय आपका टाइम बहुत अच्छा है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, शायद डिले होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आएगा ही नहीं। और शाम को आप थोड़ा धीरज रखिए, पेशेंस, पेशेंस इज अ वर्च्यू, आपके लिए आज बहुत गुणकारक है, सो मेक श्योर दैट यू आर पेशेंट एंड काम रहिए, आज का दिन अच्छा है। अब बारी है मीन राशि यानी पाइसिस। आप लास्ट में आए हैं लेकिन आपके कार्ड्स अच्छे आए हैं। फर्स्ट हाफ यानी सुबह को और दोपहर को आप जो भी चाहेंगे पूरा कर पाएंगे, आपका पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हुआ है, आप शायद मनी मैग्नेट बन गए हैं या उसी सोच में कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे। आपके सिंबल्स कह रहे हैं कि गुड लक इज एट योर डोर स्टेप, यानी लक है, अपनी आंखें खुली रखिए, अपना माइंड ओपन रखिए ताकि गुड लक आपके पास आए। सो टुडे इज अ फैंटास्टिक डे। अगर आज आपका बर्थडे है तो आपके लिए खास टैरो रीडिंग। आपका साल बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने कुछ प्लानिंग की है जिसके वजह से आप बेनिफिट करेंगे, आप जो भी प्लान कर रहे थे काम में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, वो हासिल कर पाएंगे। हो सकता है आपकी शादी हो,
आपको एक बहुत अच्छे प्यारे इंसान से मिलेंगे और आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। पैसे के मामले में आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा खर्चा ना हो, और आप जो भी सोच रहे हैं आगे काम वो बढ़ेगा। एंड इट इज़ अ गुड ईयर फॉर यू। हैप्पी बर्थडे। उत्तर पश्चिम दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट में आपको रखना है एक मेटल। तो आप कहेंगे मेटल मतलब क्या, या सफेद कलर या सिल्वर कलर या कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हमारे घर में उस डायरेक्शन में ऑलरेडी है, लेकिन फ्लाइंग स्टार्स के हिसाब से जो वेल्थ स्टार यानी जो पैसे लेकर आता है, जो अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, वो है इस हफ्ते नॉर्थ वेस्ट में। और कोई नई चीज से नई एनर्जी आती है, जैसे अगर आप अपना एक ग्लास फुल रखते हैं तो आप उसमें और पानी नहीं डाल सकते, लेकिन अगर ग्लास हाफ फुल है तो आप उसमें और पानी डाल सकते हैं, शरबत डाल सकते हैं, बर्फ भी डाल सकते हैं। तो नई एनर्जी क्रिएट करने के लिए कोई भी एक मेटालिक चीज, वो बर्तन हो या बोल हो या स्टैचू हो, वो आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए एक हफ्ते के लिए, और देखिए आपके लाइफ में बदलाव आएगा, या मूवमेंट थोड़ी शुरू होगी, या अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। आज का प्रेरक वर्ड, ये बहुत खास है क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव है। कब और कहां आपको रखना है ये मन में, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। शब्द है डेयरिंग। आपको कब डेयरिंग बनना है और कब पीछे हटके डेयरिंग ये करनी है कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा और देखो बदलाव आएगा। तो आप अपने आप को कहेंगे कि आप में दम है, आप में डेयरिंग है, लेकिन आप में ये भी समझ है कि वो आपको कब उपयोग करना है। तो अपने माइंड में आप ये आज रखिए, जब भी आपको लगे कि आप बहुत उतावले हो रहे हैं या नेगेटिव माइंडसेट में जा रहे हैं, तो अपने आप को कहिए कि मुझ में दम है, आई हैव द डेयर, आई कैन बी डेयरिंग, लेकिन कब वो आपके हाथ में है और आप वो समझौते से करेंगे विथ प्रैक्टिकलिटी। सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर। जब आप एक सिग्नेचर करते हैं ना, आप अपने आइडेंटिटी खोलते हैं। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं सिग्नेचर पार्ट टू, क्योंकि हमें इतने सारे ईमेल्स और आपके कमेंट्स आए हैं कि हमारे सिग्नेचर ऐसे हैं तो क्या करें। तो मैं कुछ और एक्सपैंड कर रही हूँ ताकि आप सिग्नेचर्स को और ज्यादा समझ सकें। और अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और अपने घर में सबके सिग्नेचर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, किस तरह से दिस अफेक्ट्स यू। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सिग्नेचर असेंडिंग होनी चाहिए, यानी आप जब सिग्नेचर लिखते हैं तब ऊपर इस तरह से जाना चाहिए 45 डिग्रीज पे। तब आप बहुत प्रेरित हैं, आप में पैशन है, आप में एनर्जी है, आप बहुत एम्बिशियस हैं, आप अपना काम बहुत स्फूर्ति से करते हैं। अगर आपको अपनी एनर्जी इंक्रीज करनी है या काम में मोमेंटम लाना है तो आप इसी तरह से 45 डिग्रीज के एंगल पर अपना नाम लिखें। अगर बहुत स्ट्रेट या स्टैटिक होगा तो हो सकता है आपका काम स्लो हो, और अगर नीचे जाता है आपका नाम तो आपको ये पता है ना कि नेगेटिव एनर्जी आती है, माइंडसेट आपका एनर्जेटिक नहीं रहता और आप पेसिमिस्टिक रहते हैं। मतलब पहले नेगेटिव सोचेंगे, फिर उसका पॉजिटिव ऑप्शन शायद अगर मिला तो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए 45 एंगल पे आप अपना नाम इस तरह से लिखिए। आप अपने घर में अपनी हैंडराइटिंग, अपने सिग्नेचर या अपने बच्चे के सिग्नेचर पे देखिए कि जब भी वो शब्द लिखते हैं, अगर नीचे का शब्द ऐसे जा रहा है या और इंक्रीज होके नीचे जाता है, इसका ये मतलब है कि ये शायद अपने आप में अकेलापन फील कर रहे हैं, निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, शायद दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, केयरलेस हो सकते हैं, या नेगेटिव माइंडसेट में जाके डिप्रेशन भी हो सकती है। अगर आप अपनी सिग्नेचर के बाद एक फुल स्टॉप डालते हैं तो उसका ये मतलब है कि आप जो भी काम ले रहे हैं उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन आती है, या आपकी लाइफ एक फुल स्टॉप पे आती है और आपको सोचना पड़ता है कि आगे हम क्या करें या मैं किस तरह से बढ़ाऊं। इसीलिए आपको ये डॉट नहीं डालना है। बहुत लोग अपने नाम को इस तरह से एक लूप में बांध देते हैं, इसे कहते हैं अपर लूप। पर पूरा नाम जब इसमें आ जाता है तो इसका ये मतलब है कि आप अपनी छोटी दुनिया में रहते हैं और आप अपने आप को लिमिट कर देते हैं। अगर आपके सिग्नेचर आप कोई भी पेपर पे बिना लाइन वाली या लाइन वाली में आप सीधे लिख पाते हैं और अक्षर सारे बैलेंस में है, इसका ये मतलब है कि आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं,
आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, एकदम क्लियर एंड वेरी सिंपल और एकदम बैलेंस. कुछ लोग अपने सिग्नेचर में सिर्फ इनिशियल्स करते हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग. अगर आप यहाँ देखते हैं तो उनका सिग्नेचर बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन ऐसे लोग मोस्टली प्राइवेट रहते हैं, उन्हें किसी का इंटरफियरेंस नहीं पता. कभी कभी ये सीक्रेटिव भी रहते हैं. इस सिग्नेचर में आप देखेंगे कि ये नीचे के लूप्स हैं, ये पूरे बंद हैं. इसे कहते हैं मनी बैग्स. जब आपके नीचे के लूप्स बंद होते हैं तो आपको मनी बैग्स कहा जाता है. अगर आप लूप्स खुले रख देते हैं तो हो सकता है कि आपके हाथ से खर्चे ज्यादा होते हैं. मनी बैग लूप्स की बात करें तो तीन किस्म या चार किस्म के लोग होते हैं. कुछ लोग एकदम बैलेंस में लिखते हैं, ये सही है क्योंकि ये क्लोज्ड है. ये खुला लूप है लेकिन ज्यादा बड़ा है, यानी इनको फॉल्स ईगो हो सकता है, या इस तरह से व्यवहार करेंगे कि वो कुछ है तो सामने वाले बैड फील कर सकते हैं. जो ज्यादा बहुत बड़ा लिखते हैं इस तरह से लूप, इसका ये मतलब होता है कि ये लोग कोई और अपनी काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, कुछ ऐसे फैंटेसी लैंड में रहते हैं, और कभी कभी ये नॉर्मल नहीं रखते. ये थोड़े से हमको ऐसा लगेगा कि ये हम जो बात कर रहे हैं उससे कुछ जुड़े हुए ही नहीं है. तो विचित्र बिहेवियर हो सकती है जिनका लूप एक्सेसिव बड़ा हो. तो लूप छोटा कर दीजिए और उसे क्लोज कर दीजिए. बहुत लोगों को आदत है कि सिग्नेचर के नीचे अंदर दो डॉट्स करने हैं, राइट? अगर आप अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं तो दो डॉट्स मत लगाइए, क्योंकि दो डॉट्स का मतलब होता है सेकेंड चांस. यानी कि लाइफ में आपकी डेस्टिनी चेंज होगी और आपको दोबारा अपनी लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी. इसीलिए डबल डॉट्स ना ही करें तो बेहतर है. सिर्फ आप एक सिंगल स्ट्रोक नीचे सिग्नेचर के नीचे कर दीजिए, दैट्स फाइन. अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिससे आपको परिवर्तन लाना है, या आपको लगे कि नहीं अब मुझे कुछ और करना चाहिए, तो आप डबल डॉट्स स्टार्ट करिए, उससे आपको मिलेगा सेकेंड चांस. अब इस सिग्नेचर में नाम लिखने के बाद एक लॉन्ग स्ट्रोक है. इसका ये मतलब है कि इनका दृढ़ निश्चय रहता है हर काम में. ये फॉरवर्ड थिंकिंग वाले हैं, ये आगे एनर्जी से बढ़ना चाहते हैं और कभी रिटायर नहीं करेंगे. आपके अच्छे ईमेल्स और कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग टॉपिक्स से आपको हम अच्छी अच्छी टिप्स देते रहें. कल फिर मिलते हैं इसी समय खुश किस्मत में. देखते रहिए नमस्ते भारत. ABP News आपको रखे आगे.